No. We need to slow the cat though. Yeah. It's not slow, it's slow. Bye! मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी बर्थडे रूडी। तो रूडी का आज है बर्थडे एंड खोखो मम्मा एंड रूडी जा रहे हैं नानी को लेने और अपने ब्रदर को लेने। तो जो मेरा भाई है बड़ा वाला, वो उनको वसंत कुंज तक छोड़ेगा, उसके बाद मैंने सोचा हम लोग उनको पिक कर लेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं पिक करने। और ये रहा नितिन, कार ऑन नहीं करी, मास्क तो मैं लेके नहीं आई क्योंकि कार में बैठूंगी ना। चलो अभी ना मैं ऊपर आई हूँ क्योंकि मैं हम लोग मास्क नहीं लेके गए थे और नितिन ने बताया कि दिल्ली में चलाना है मास्क नहीं पहना। तो अब मैं सीधा चली हूँ मास्क लेने के लिए ऊपर। क्या सॉरी, लिप से दो प्रेस करना भूल गई। और कभी जब जल्दी में हो ना, देखो मैंने बाल बाल कुछ नहीं अभी बनाया, जस्ट निकली हूँ, एक लिपस्टिक लाई है, लाइनर लगाया, क्योंकि ना लाइनर नहीं लगाती तो मेरी आंखें ना सूजी सूजी सी लगती है। तो जो सब में निकली हूँ यार, पहले पता चल जाता ना तो मैं लेके आ जाती, मुझे भूलती नहीं। मास्क लेना भूल गई, मास्क ले लिया है साथ ही। ये क्या बोलते हैं इसे, मैंने रूडी के लिए ये भी ले लिया ताकि इनके इस ना अगर उसको गर्मी बदली धूप में थोड़ा निकलना पड़े तो मैं उसे डाल दूँ क्योंकि धूप भी उसे बहुत लगती है। तो हम सोसाइटी के अंदर से निकल गए हैं और बहुत धूप है बाहर, बहुत धूप, बहुत धूप है ना वैसे तो नितिन। अगर वो इसीलिए उसने मास्क भी ली थी क्योंकि सब लोगों ने अपना अपना कंपोज कर रखा है, जो भी बड़े बड़े वो है। तो और अगर कुछ मैं ऐसा अगर आ जाता है पीछे से बॉलीवुड या हॉलीवुड सॉन्ग तो कॉपीराइट आ जाता है। कॉपीराइट में इनकेस जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा तो कॉपीराइट का मतलब होता है कि जो उस वीडियो से अर्निंग होगी वो उसके पास जाएगी डायरेक्टली। मैंने नितिन तुम्हारी कैप डाल ली है, रूडी मम्मा ने कैप पहनी। एक मैली हो रखी है कि ऐसे इसका कलर और रखा है, निकल रही है पहली की। हाँ हाँ, इसको वॉश करने की जरूरत है। धोनी यही कैप, मैली कैप पहनी है मैंने। जब भी पैसे हैं पेटीएम में, ये हर बार का ही ड्रामा है, पता नहीं क्यों हमारा ऐसे होता है इसमें। ए वसंत, तो यही इसी तरफ तो प्रिया भी है ना, आई थिंक प्रिया जब हम सीआर पार्क में रहते थे तब हम आए थे शायद, मुझे जहाँ तक याद है, जब नई नई शादी हुई थी। हम एंटर कर रहे हैं होटल ग्रैंड में, यहाँ के लॉबी पे खोखो की नानी एंड मामी और बच्चे वेट कर रहे हैं। या आवर डेस्टिनेशन इज हियर नाउ। तो अभी हम होटल ग्रैंड में पहुँच चुके हैं और मैंने इन लोगों को बाहर आने के लिए बोल दिया है। तो ये लोग बैठ गए हैं कैब बोल रही हूँ मैं, कार में मम्मी भाभी बच्चे। नितिन तो अभी क्या प्लान है? हाँ चलो ठीक है, मैं आगे वो करती हूँ उसको। चला जा, हाँ। तो अभी हम ये चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से। चेकआउट तो मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे कि हमने स्टे करके फिर बोला होगा। तो लेकिन जो इस तरफ है ना, तुम लोगों ने नोटिस किया यहाँ पे पहाड़ी पहाड़ी है, तो ये पहले ना सारा साउथ का जो एरिया है ना पहाड़ी जैसा था। ओके तो अभी बैग निकाले जा रहे हैं। नितिन एक मिनट रुक जाओ, एक बार दो मिनट खो पकड़ो, मैं जरा कर आएगा ये गोद में पकड़ने की कोशिश कर। रेडी? नहीं क्या। तो फाइनली हम सब लोग घर में आ गए हैं, लंच कर लिया है, मम्मी वहाँ किचन में है और अच्छा भाभी ये सो गई है, खोखो साथ में लेटी हुई है और ये रही बच्चा पार्टी। समर्थ का फोन ना चार्ज नहीं है तो इसको फोन चाहिए, तो उसको अभी मैं अपना फोन दूंगी। और वो रहा यशु, यशु से हेलो, सैम से हेलो, और ये चेहरे आपने पहले भी देखे होंगे है ना। ये और ये रहा पुराना ही चेहरा।
तो यहाँ पे ना भैया आ गए हैं डेकोरेशन वाले, एक और पीछे बैलून अभी लगे हुए हैं, मतलब स्टार्ट हुआ है। रूडी बन गया जेंटलमैन, रूडी ने शाल ले लिया। रूडी अच्छा एक बार खड़े होकर तो दिखा दे, एक बार खड़े होकर तो दिखा देना प्लीज, प्लीज खड़े होके दिखा दो, ऐसे खड़े होके दिखा दो मुझे, सबको खड़े होके दिखा दो ऐसे। अली बाबा अली बताओ भाई। और ये इसने ना अपने हाथ में ये ऑयल का ये ले लिया है पंप, मैं दे रही हूँ इतने एक मिनट। और ये रही मम्मी, हेलो कैसे हो, ठीक ठाक? सब ठीक ठाक। तो यहाँ पे भैया ने ना येलो और ब्लू का कॉम्बिनेशन बनाया है बैलून का, और आपने तो भैया बड़ी जल्दी फुला दिए, और जब मैंने खोखो के बारे में मैंने ना खुद फुलाया थे तो मुझे पूरा बहुत टाइम लगा था बैलून फुलाने में, मैंने पहले बैलून फुलाए। और अब ये ना एक उसमें आपने एक रस्सी ना बांधे भैया, अच्छा हाँ तो हम तो घर पे ऐसा नहीं कर सकते ना, मैंने ऐसे किए थे, मैंने सिर्फ बैलून फुलाए थे खोखो के बर्थडे के दिन, और ऐसे ऐसे वो दो डबल साइडेड टेप होती है ना उससे यूं लगा दिए थे, बट अच्छा है, वेरी नाइस। फाइनल डेकोरेशन रूडी के बर्थडे की, और ऊपर ये कार्टून कैरेक्टर वाले बैलून, अभी एक मिनट हाँ, और ऊपर सीलिंग में भी इस तरह से। रूडी बर्थडे बॉय, ये रहा इसका ड्रेस, कैसा लग रहा है? एंड हियर इज कोको। ओ बाबा रे, से हेलो भाभी, हेलो, वो रही रूडी की नानी। तो ये रहा हमारा बर्थडे बॉय, आज ये एक साल का हो गया भाई, एक साल का। और ये रही हमारे पीछे की डेकोरेशन जो ऑल ऑफ सडन हम लोगों ने करी है, क्योंकि ऐसा कुछ प्लान नहीं था, लेकिन हाँ घर पे तो करना था इसलिए मैंने ये पीछे इसका ही डेकोरेट किया है। और फाइनली रूडी का मामा आया बहुत सारे गिफ्ट लेके। रूडी मामा जैसा स्मार्ट स्मार्ट लग रहा है। मामा और इसका पापा वो लोग बाहर एंजॉय कर रहे हैं, वो रही मम्मी, ये रही भाभी। अरे अभी तो आराम से बैठा हुआ है तुम्हारी पास में, बस हाथ मत लगाना वरना करंट लग जाएगा इसे। और ये रहा यूवी, वो रहा सैम, और ये रहा गिफ्ट। तो देखते हैं इसमें, आप लोगों के सामने ही खोल रही हूँ, अभी हमें भी नहीं पता क्या है इसमें। तो रूडी का फर्स्ट, लेट मी ओपन इट। तो ये उतर जाता है, मम्मी टेंशन नहीं है, खुद को उतर जाता है, उतर जाता है, वो रोज उतरता है।
वाओ स्पोर्ट्स कार है ये रही रूडी की स्पोर्ट्स कार। तो ये रहा रूडी का फर्स्ट बर्थडे का फर्स्ट गिफ्ट उसके मामा की तरफ से। और इसको भी खोलते हैं, समर्थ खोलने की टाइम खोलो बेटा। और ये भी बड़ा अच्छा पैक होके आया है, अब इसमें देखते हैं। बताया नहीं उसने हमें कि क्या है इसमें। लेट्स ओपन। चिल्ड्रन पे क्लिक कर। अरे ये ना पता उसका ये रिमोट को ना ऐसे निकाल के एक बार दोबारा लगा। हमारा रिमोट की बैटरी डाउन हो गई है तो मैं यही काम करती हूँ, उसको ना वैसे लगाती हूँ। नहीं अब खोखो ना इस बार तो देखो नहीं वैसे कहा उसने कुछ भी। उसको पता है कि रूडी का बर्थडे है। तो इसको बड़ा कुछ स्नो स्नो सा। ओ इट्स स्नोमैन और बड़ा सॉफ्ट सा है ये, देख ना बड़ा सॉफ्ट सा है। ऐसे पकड़ के रूडी तो। और यही लेके आए हैं कपड़े मामा मामी। एक तो ये सेट है रूडी, देखो कपड़े ये बड़े अच्छे लगे मुझे, है ना। और बड़े स्मार्ट से भी लग रहे हैं ये। देखो इसने ये पहना था अभी, आधे से नहा के यही पहना था पहले जो लेके आए थे ये। तो बड़ा स्मार्ट था ये, बड़ा अच्छा लगा। नितिन को भी बड़ा बड़ा स्मार्ट सा लग रहा है ये भी, है ना कितना क्यूट सा लग रहा है। इसका ही पैर ये बना सकते, इसमें भी आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा। हाँ है ना, इसके साथ भी पेयर कर सकती हूँ और इस टी शर्ट के साथ भी पेयर कर सकती हूँ। और ये तो उसके साथ अच्छा लग रहा है, वरना इसको ना ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब ये तो किसी में भी चल जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं, कार्गो। कार्गो हाँ, कार्गो अच्छी है। और ये रही कूल कूल टी शर्ट बोल रही थी मैं, शर्ट। तो गाइस अभी बज रहे रात के 10:30 और अभी तक हम लोगों ने डिनर नहीं किया है। डिनर अभी बस मैंने चेंज कर लिया है। ये लोग अभी चेंज करने के मूड में नहीं है क्योंकि थोड़ा सा ना थक गए हैं। मम्मी चेंज करने के लिए गई है तो अब हम करेंगे डिनर। और आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे खत्म। मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहिए, टेक केयर, बाय बाय।